नमस्कार दोस्तों, मैं बीके यादव। देखिए, आज हम बताएंगे आपको हिंदी। हिंदी में एक चैप्टर है अलंकार, जो हर एक एग्जाम में एक तो क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो जरूरी है और एक तो निश्चित ही है। जैसे कि आपका यूपीएससी बोर्ड का होने वाला भी एग्जाम, तो इसमें एक तो क्वेश्चन निश्चित ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो आज हमें आपको ऐसा टॉपिक बताएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सरल और ट्रिक से, जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, हम आपको बता दें अलंकार। अलंकार एक देखिए अलंकार अलंकार का मतलब होता है आभूषण की शोभा बढ़ाना या किसी वस्तु की शोभा बढ़ाना। जैसे कि ये है, हम क्या बता रहे हैं आपको, अलंकार। अलंकार, अलंग ये होता है अलम, और एक होता है कार। अलम का मतलब होता है आभूषण और ये होता है करने वाला। यानी कि आभूषण की शोभा बढ़ाने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार। आभूषण की शोभा बढ़ाने वाला, उसे क्या कहते हैं, अलंकार। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, ये होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इसमें देखिए अलंकार के भेद, अलंकार कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। नंबर एक शब्द अलंकार, नंबर दो अर्थ अलंकार, नंबर तीन होता है उभय अलंकार। शब्द अलंकार, उभय अलंकार और अर्थ अलंकार। देखिए शब्द अलंकार में क्या होता है, शब्द अलंकार में होता है जो शब्दों का संयोगीकरण होता है शब्दों से, जिसके शब्द के द्वारा, तो वो शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार जो अर्थ के उस पर प्रकट होता है, अर्थ के आधार पर। एक होता है उभय अलंकार, अर्थ और शब्द दोनों के आधार पर उसे होता है, उसे हम कहते हैं उभय अलंकार। क्या कहते हैं, उभय अलंकार। देखिए शब्द अलंकार में चार पांच तरीके के हैं। इसमें एक होता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार और भीभत्स अलंकार, और एक हो वक्रोक्ति और काकुमूला, ये अलंकार होते हैं इसमें। तो आज हम बताएंगे आपको शब्द अलंकार, जो शब्द से आधारित होता है। सबसे पहले क्या बताएंगे आपको, शब्द अलंकार। अलंकार क्या बताएंगे, शब्द अलंकार। इसमें जो शब्दों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द अलंकार। जो शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द अलंकार। देखिए शब्द अलंकार के कई भेद हैं। इसमें होता है एक तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है एक यमक अलंकार। तीसरा होता है श्लेष अलंकार। चौथा होता है विभत्सा अलंकार, और एक होता है काकुमूला। काकुमूला और एक होता है वक्रोक्ति। ती अलंकार, ये अलंकार होते हैं किसमें, शब्द अलंकार। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। शब्द अलंकार में जो यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विभत्सा, काकुमूला और वक्रोक्ति। देखिए अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, इसमें जो शब्द होते हैं उनके जो वर्ण होते हैं उनसे जो अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द। यानी एक अर्थ
शब्द बार बार आया, यानी एक अक्षर जो वर्ण होता है वो बार बार आता है वह अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द दो होते हैं मगर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, शब्द एक ही होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। इसमें विभत्सा अलंकार में, विभत्सा देखिए हम आपको अभी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर विभत्सा का मतलब होता है मनोभावों को प्रकट करना, मनोभावों को प्रकट करना, जैसे कि छी छी, राम राम, क्या होता है राम राम, देखो 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 देखो, यानी मनोभावों को जो प्रकट करता है विभत्सा अलंकार होता है। इसमें ये काकुमूला वक्रोक्ति देखिए, इसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं अनुप्रास अलंकार। कौन सा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार हम देखिए क्या होता है इसमें, ये है हम बताएंगे आपको अनुप्रास अलंकार। कौन सा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में देखिए इसके हम कुछ बताते हैं आपको। अनुमान होता है बार बार, क्या होता है बार बार, और प्रास माने होता है वर्ण, यानी कि जो वर्ण होते हैं वो बार बार आते हैं, किसी बड़े व्यंजन की बार बार आवृत्ति होना उसे क्या कहते हैं अनुप्रास अलंकार। देखिए एग्जाम्पल, किसी व्यंजन की जो आवृत्ति है बार बार होती है, वर्णों के व्यंजन की जो आवृत्ति है बार बार होती है उसे हम क्या कहते हैं अनुप्रास अलंकार। देखिए इसे होता एग्जाम्पल से देखते हैं हम पहले, इसमें समझ में आएगा। यह तरण तनुजा तट तमाल, हमने क्या बड़ों की आवृत्ति, बड़ की आवृत्ति क्या होती है बार बार, ता ता और ता और ता, इसमें बार बार आ रहा है इसमें, यह होता है। दूसरा एग्जाम्पल, चारु चंद चंद्र की चंचल किरण, चारु चंद की चंचल किरण, देखिए च चा और चा, ये बार बार आ रहा है, इसमें हुआ प्रास अलंकार। तीसरा रघुपत राघव राजा राम, जिसमें बार बार आपत्ति होती है। देखिए अनुप्रास अलंकार के छह सात भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के, और इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। ये होता देखिए अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद क्या होते हैं, भेद कौन कौन से होते हैं देखिए, होता है छेका प्रास अलंकार, दूसरा होता है वृत्यानुप्रास प्रास अलंकार, तीसरा होता है लटा लाटा अनुप्रास अलंकार, देखिए चौथा होता है एक ही अलंकार, अलंकार के भेद हैं अनुप्रास अलंकार के, छेका अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, लटानुप्रास, अंतरिक्ष अनुप्रास और सत्यानुप्रास। जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, जो यूपी जेल बॉर्डर यूपी पुलिस, वो ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ऐसा या लेखपाल वगैरह कहते हैं तो थोड़ा वो अंदर चला जाता है, छेका अनुप्रास प्रत्यानुप्रास ऐसे पूछ लेता है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ तक ही पूछता है, तीन तक। तो इसमें हम बताते हैं आपको सबसे पहले छेका अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास अलंकार में क्या होता है देखिए, यहाँ क्या होता है व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो, व्यंजनों की आवृत्ति क्या बार बार हो, व्यंजन इसमें ध्यान रखना है, व्यंजनों की आवृत्ति जो होती है वो बार बार होती है। रटानुप्रास अलंकार, जहाँ शब्द एक हो, मतलब एक शब्द दो बार आए वहाँ क्या होता है, इसे शब्दालंकार भी कहते हैं, और यहाँ क्या होता है बड़ों की आवृत्ति। प्रत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, छेकानुप्रास अलंकार में और प्रत्यानुप्रास अलंकार में ये होता है इसमें। तो देखिए इसमें हम पहले सबसे पहले आपको देखिए, ये है
छे का अनुप्रास अलंकार। छे का अनुप्रास अलंकार में सबसे पहले इसमें यह होता व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो, व्यंजनों की आवृत्ति बार बार छे का अनुप्रास अलंकार में। देखिए व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो, नहीं गलत, व्यंजन की आवृत्ति बार बार, ये इसका नहीं, इसका होता है अनुप्रास अलंकार का, व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। इसमें होता है दो वर्ण जिनमें आते हैं, केवल दो वर्ण आते हैं इसमें, केवल क्या आते हैं, दो वर्ण। देखिए इस दो वर्ण की आवृत्ति होती है इसमें, केवल कितनी की होती है, दो वर्ण की दो बार आवृत्ति होती है, एक वर्ण की दो बार आवृत्ति, यानी ऐसे दोबारा समझाते हैं इसको हम। देखिए यह होता है एक वर्ण की दो बार आवृत्ति। हाँ देखिए इसमें क्या होता है, एक वर्ण दो बार आए, केवल दो बार आएगा इसमें, जिसकी आ ते आनंद, आ और आ दो बार, मगर महतारी माँ और माँ, केवल दो बार आ रहा है इसमें। कानन कड़न भयंकर मारी, इसमें कोई आ रहा है दोबारा अक्षर, नहीं आ रहा, ये होता है इसमें। प्रत्यनुपात से व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, यहाँ क्या होती है व्यंजनों की, व्यंजनों की आवृत्ति बार बार। देखिए का कलावत केलवत कलंदजा, कल कल और कल बार बार हो रही, नहीं हो रही इसमें। ये होता है लटा अनुप्रास अलंकार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लटा अनुप्रास अलंकार को शब्दालंकार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्दालंकार। यह होता है एक शब्द दो बार आए, एक शब्द दो बार आए, कितनी बार आए, दो बार आए। देखिए पूत कप सपूत तो क्यों धन संचय, और एक होता है इसमें पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए पूत एक बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसमें क्या होता है एक शब्द दो बार आए, इसमें शब्द पूरा आ रहा है पूत और पूत, ये होता है इसमें, ये ज़्यादा नहीं पूछता है। ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। अब हम बता रहे हैं आपको यमक अलंकार, कौन सा, यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार में क्या क्या कैसे कैसे पूछता है, कौन सा है यमक अलंकार। यमक अलंकार की देखिए इसके बारे में बताना है हम आपको। यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द दो होंगे, एक ही तरीके होंगे, उनका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, क्या होगा अर्थ इनका, अलग अलग होगा। इसका मतलब होता है एक शब्द दो बार आए मगर उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग, एक शब्द दो बार आए अर्थ क्या होगा, अलग अलग। जैसे कि इसकी परिभाषा मान लीजिए, कुछ मान लीजिए एक शब्द दो बार आए मगर अर्थ अलग अलग हो, अर्थ अलग अलग हो, एक शब्द दो बार आएगा मगर उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए एग्जाम्पल है इसमें, कनक कनक तय सौ गुनी मादक ता, मादक ता अधिकार, कनक कनक ते सौ गुनी मादक ता अधिकार, बा खाए बोरात, बा खाए बौरात, बा खाए बौरात, या पाए नर या पाए बैरात, क्या होगा बैरा। कनक कनक च सोगनी मादकता अधिकाय, बा खाए बौरात, नर या पाए बैरात।
यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या हुआ, शब्द दो बार, एक शब्द दो बार आए मगर अर्थ अलग अलग हो। यही शब्द दो बार आ रहा है पूरा कनक कनक। एक होता कनक मतलब सोना और एक कनक का मतलब होता धतूरा। यह होता है इसमें यमक अलंकार। और ज़्यादातर एग्जाम्पल में यही पूछ लेता है, या फर्स्ट वाला ये पूछेगा ये पूछेगा, ये पूछता है इसमें। ये किस में आता है, शब्द अलंकार में, यमक अलंकार, यमक अलंकार की जरूरत है, ये होता है इसमें। अब कौन सा होगा हमारा श्लेष अलंकार, देखिए श्लेष अलंकार इसके बारे में देखिए। अब हम बता रहे हैं आपको श्लेष अलंकार, कौन सा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, इसका शब्द एक होगा मगर अर्थ क्या होंगे, अलग अलग। शब्द एक होगा अर्थ अलग अलग होंगे, ये श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है, शब्द एक होगा और मगर अर्थ अलग अलग होंगे, इसके अर्थ अलग अलग होगा। इसमें शब्द एक ही होगा मतलब अर्थ अलग अलग होंगे इसमें, ये होता है शब्द अलग का। जैसे पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती माने सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष ये होता है। मोती का एक अर्थ होता है चमक और एक होता है चोट। ये इसमें क्या होता है, अर्थ अलग अलग होता है इसमें, मोती मानुष चोट। अच्छा पूरा मुहावरा, पूरा मुहावरा क्या होता है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए ना उबरे मोती माने सून, कभी लास्ट में यही दे देता है। तो इसमें मोती का मतलब होता है चमक और मानस का मतलब प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और चून का मतलब होता है चल, अलग अर्थ अलग निकलता है। ये हो गया हमारा उक्ति अलंकार। इसमें हमारे कौन कौन से अलंकार हो गए, शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार में छेक अनुप्रास, लटा अनुप्रास अलंकार और वृत्यानुप्रास अलंकार, ये हो गया। दूसरा यमक अलंकार, यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द दो होंगे मगर अर्थ अलग अलग होगा। श्लेष अलंकार में शब्द एक होगा मतलब अर्थ अलग अलग होंगे, ये होता है। और अनुप्रास अलंकार में जिसमें बड़ बार बार आप बड़ों की आवृत्ति बार बार हो, यह होता है। अब हमारे बच्चे इसमें वक्रोक्ति और काका मूला, वक्रोक्ति और काका मूला में देखिए, इसमें यह होगा, देखिए एक होता है वक्रोक्ति अलंकार। इसमें जो इसमें क्या होता है, किसी वाक्य का मतलब जानबूझकर अर्थ अलग निकालना, जानबूझकर अलग निकालना। इसने यह एग्जाम्पल देखिए, एक कबूतर को देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, एक कबूतर हाथ में देखकर उसने कहा पूछा कहाँ, उसने कहा ये अपर कैसा, तो उड़ गया सुपर है। तो इसमें जो एक बात कही है कबूतर को उड़ने की, एक बात कही है उसके बिना पंख वाले कबूतर की, ये तो होता वक्रोक्ति। काका मूला होता है इसमें, इसमें दूसरे शब्दों का अर्थ अलग निकालना। जैसे ये पूछा है इसमें, यहाँ से भागना मत पढ़, पिताजी ने कहा यहाँ से भागना मत और पढ़, उस बच्चे ने दूसरा शब्द कह दिया यहाँ से भागना मत पढ़, मत भाग जा और मत पढ़, पिताजी ने कहा भागना मत पढ़, ये होता है काका मूला, काकू मूला ये होता है इसमें। ये हो गया हमारा पूरा शब्द अलंकार। देखिए शब्द अलंकार ये पूरा हो गया हमारा, शब्द अलंकार हमने कौन कौन से बताए, एक है अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति और काकमूला और विभत्सा। अनुप्रास अलंकार में हमने बताया जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति बार बार। श्लेष अलंकार में जहाँ शब्द एक हो मतलब अर्थ अलग अलग हो, अर्थ अलग अलग हो। और यमक अलंकार में जहाँ शब्द दो हो मगर अर्थ अलग अलग हो। और विभत्सा में जहाँ मनोभावों की भावना प्रकट करता हो उसे, वो होता है इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल अगली वीडियो में बताएंगे आप बहुत ही शॉर्ट ट्रिक जो बता अर्थ अलंकार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।